मोहे न च बलीयसा शेषं ग्रहेषु सक्तस्य प्रमत्तः शापयातिः दूरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं ग्रहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयातिः दूरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयातिः जिसका जिसके मन तथा इंद्रिया वश में नहीं है वह अतृप्त कामेच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिक अधिक आसक्त हो जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं क्योंकि इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा सकता। तात्पर्य यह जीवन के 100 वर्ष का लेखा जोखा है। यद्यपि इस युग में सामान्यतः 100 वर्ष की आयु संभव नहीं है, फिर भी यदि किसी को इतनी आयु मिल भी जाए तो गणना के अनुसार 50 वर्ष सोने में जाते हैं, 20 वर्ष बचपन तथा किशोरावस्था में और 20 वर्ष अशक्तता जरा व्याधि में निकल जाते हैं। इस तरह केवल कुछ ही वर्ष बचते हैं, लेकिन ये वर्ष भी गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने से ईश्वर भावनामृत के बिना ही व्यर्थ बीत जाते हैं। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभिक काल में पूर्ण ब्रह्मचारी बनने, फिर यदि वह गृहस्थ बनता है तो विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रिय निग्रह में सिद्ध बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करके जंगल जाना चाहिए और तब संन्यास ले लेना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। जो लोग जीवन के प्रारंभ से ही अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, अजित इंद्रिय, उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम पाश्चात्य देशों में देख चुके हैं, इस प्रकार 100 वर्ष की पूरी आयु व्यर्थ और दुरुपयोग में जाती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य दूसरे शरीर में देहांतर करता है तो यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य का ही शरीर मिले। 100 वर्ष के अंत में जो व्यक्ति तपस्यामय जीवन में मनुष्य की तरह कर्म नहीं करता रहता, वह कुकर सुकर या बिल्लियों के शरीर को पुनः धारण करता है। अतएव कामेच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति का यह जीवन अत्यंत विपदाग्रस्त है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथांबितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखांबितं च। नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमा ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपावदे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसांबोधे पदांबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर आविर्भाव भूमिष्ठ निर्देष्ट सज्जन प्रिय
वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वांचाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुज राधा मदन मोहन। दिव्यावृंदारण्य कल्पतरुमा श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालिवि सेवमानोस्मरामि। श्रीमान सरसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्शन वेणु सुनेर गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी तुम का इस सुबह के भागवत वर्ग में स्वागत है। तुम प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं विशेष करके उनके पवित्र भूमि में चर्चा कर रहे हैं, जहाँ वे प्रहलाद महाराज विशेष करके भक्ति को अपने 5 साल की उम्र में करना चाहिए और भागवत धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इस जीवन में हमें सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख अगर अपने आप आता है तो सुख भी अपने आप आएगा, क्योंकि विगत कर्मों का जो विगत कर्म के अनुसार सुख और दुख आते हैं। तो इस प्रकार अगर व्यक्ति को फिर समझाया जाए, लेकिन वो अपने ऊपर अगर वो इंद्रिय निग्रह नहीं करता है तो 100 साल की उम्र भी अगर उसको मिलती है फिर भी उसकी आयु 50 वर्ष सोने में जाते हैं, 20 साल बुढ़ापे में बीमारी में चले जाते हैं, 10 साल हमारा बचपन और 10 साल युवावस्था, तो ऐसे 90 ईयर्स खत्म हो गए, बचे 10 साल और 10 साल में हमें भक्ति करनी है परिपूर्णता की तरफ जाना। तो इसलिए ये एक इंद्रिय, जिसके इंद्रिय निग्रह नहीं उसकी आयु इस प्रकार है, लेकिन जो इंद्रिय निग्रह करता है वो श्लोक है ना किधर टिकेश प्रभु, आयु वय हरति पुंसाम उद्यम यन्नसो तस्य रुते। हाँ, तो उत्तम श्लोक वार्तया, जिसने उत्तम श्लोक की सेवा की है उसको छोड़ के आयु वे हरति पुंसाम, जैसे ही सूर्य अस्त हो जाएगा, सूर्य उदय हो जाएगा, सूर्य अस्त उदय हो जाए अस्त हो जाएगा, उसकी आयु चली जाएगी। किसको छोड़ के? जिसने भगवान की शरणागति ली है उसको छोड़ के सबकी आयु हरण हो जाएगी, लेकिन जिसने भगवान की शरण ली है वो व्यक्ति भगवान की तरफ जाता है, सूर्यास्त के बाद एक स्टेप वो भगवान की तरफ जाता है। लेकिन अगर वह इंद्रिय निग्रह न करे, भगवान की शरणागति न ले, तो उसका जीवन एक प्रकार से बहुत भयानक स्थिति में जाता है, और ऐसे व्यक्ति को अजितेंद्रिय कहा गया है। तो ये अपने ऐसा मनुष्य जो इंद्रियों के वश में करने में असमर्थ होने के कारण वह गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त होकर अपने को मुक्त कर सके वह नहीं कर सकता, और गृहस्थ जीवन में वो यह प्रहलाद महाराज कहते हैं वो स्नेह बंधन में फंस जाता है। तो एक स्नेह होता है, स्नेह अफेक्शन, तो इसमें वो फंस जाता है, और उसके कारण उसको धन बहुत प्रिय लगता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि धन कैसा लगता है, हाँ, मनी स्वीटर देन हनी, ऐसा वो यहाँ पे लिख रहे कि धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानते लगते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वह भी गृहस्थ जीवन में, ये प्रश्न पूछते गृहस्थ जीवन में धन संग्रह की तृष्णा से कौन त्याग कर सकेगा, नहीं कर सकता। चोर व्यावसायिक नौकर तथा व्यापारी अपने प्रिय पानों
प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते। प्रभुपाद एक बार एक जगह पे लिखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी चोर ने हमारा पॉकेट मारा तो हमें कितना गुस्सा आता है, है कि नहीं। पॉकेट मारना मतलब पॉकेट का लक्ष्मी वो चुराता है, लेकिन पत्नी चुराती, बच्चे चुराते तो वो भी हक से मांगते हैं दे दो और हम देते, तो प्रभुपाद बोलते वो चोर के बारे में क्या वो भी चोर है ना, वो भी धन ले रहे हैं, कमा रहा है कौन, अकेला व्यक्ति, धन खर्चे कौन करे, पूरा परिवार। प्रभु जी वो तो अपने परिवार है ना, लेकिन भागवत उसको चोर कहता है, मैं नहीं भागवत उनको चोर कहता है। अगर वो पूरा परिवार कृष्ण भक्ति में नहीं है तो वो पूरा चोर परिवार है, और अगर पूरा परिवार भक्ति में है तो वह कृष्ण भावना भावित परिवार है। उनके लिए धन खर्च करना मतलब कृष्ण के भक्त की सेवा करने के समान है। तो इस प्रकार खुद को कृष्ण भावनावाहित बनना है और हमारे पूरे परिवार को भी कृष्ण भावनावाहित बनना है, तभी जो भी हम कुछ करेंगे वो कृष्ण सेवा होगी, भक्त सेवा हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है। और ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती हो, वह किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूति पूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहिल पत्नी की संगति का त्याग करता हो। छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है, और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। वह भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है और अपने ससुराल में रहती हुए भी वह उसके मन में बसी रहती है। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज सामान होते हैं, अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं। भला ऐसे आराम को कौन छोड़ना चाहता है। आसक्त गृहस्थ उस रेशम के कीट की तरह है जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ रहता है। केवल दो इंद्रिया शिश्न तथा जीवा की तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं में बंद जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है। तो ऐसे बहुत से तात्पर्य और श्लोक है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। यह है स्कंद 7 अध्याय क्रमांक 6 और अध्याय क्रमांक 6। इसमें प्रहलाद महाराज इस तरह से 5 साल के बालक को, 5 उम्र उनका है, उनको अपने सहपाठियों को ये उपदेश दे रहे, समझ रहे। उपदेश तो एक दो ही पढ़े हमने, आपको पढ़ना है, अगर इंटरेस्ट हो तो आप इस 6 अध्याय को पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर रूप से प्रभुपाद जी इस भौतिक जगत को पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में प्रकट कर रहे हैं। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो मेरे आजू बाजू मेरे भी जीवन में ऐसे ही हो रहे हैं समझ रहे। तो भागवत ग्रंथ, गुरु और साधु, ये हमें जागरूक करते हैं, उठ जाओ, हमें उठना होगा। क्योंकि अगर ऐसा ही हम जीवन जिएंगे तो कोई चांस नहीं है कि हम इस जन्म से चक्र से हम बाहर निकलेंगे, कोई चांस नहीं है। इसलिए हमें इन तीनों की संगति में इन तीनों का संगति कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हम 8 स्टेप देख रहे हैं जो हमें भगवान की तरफ लेके जाने वाले हैं। तो इसमें से पहला जो था वो क्या था, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ। तो हमने इसकी चर्चा की थी कि जिसने अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारी ली है उसके 2 लक्षण हैं। एक क्या है, पहला साधना को सीरियसली लेता है वो, और दूसरा सिंपल लाइफ, अपने जीवन को आसान बनाता है। जब जीवन को आसान बनाता है ना तो जीवन एकदम सीधा साधा बनता है, उसमें क्लेश नहीं होता है। तो ये है पहला। दूसरा है, अगर मैंने जिम्मेदारी ली है तो मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए, करेज चाहिए, क्योंकि बदलाव तो आएगा, समाज को फेस करना पड़ेगा, तो करेज चाहिए। और सबसे बड़ा करेज क्या है, तीसरा कंफर्ट जोन, वो क्या है, वो है सुबह की नींद। और जो व्यक्ति में बोला ना कि जो जिस साधक ने उसके लिए वो आसान बनाए ना सुबह की नींद, उसके लिए बाकी के सभी क्लेश से वो ऐसे ही बाहर निकले। तो सबसे कठिन है
सुबह उठना सबसे कठिन, वो भी रोज, यही समस्या है। ऑफिस को तो दो दिन छुट्टी रहती सैटरडे संडे, लेकिन इसको छुट्टी नहीं, रोज उठना, इसलिए कठिन है। और जिसने ये किया बाकी जीवन के सभी क्लेश को सहन कर सकता है, सभी क्लेशों से मुक्त हो सकता है, उतनी शक्ति उसमें आती है इसको अगर किया तो। तो ये तीसरा है गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। एक कंफर्ट जोन छोड़ो बाकी सब अपने आप छूटेंगे। और कल हमने चर्चा की थी चौथा, जो इस भौतिक जगत में रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है क्या? एटीट्यूड। वो क्या एटीट्यूड है? हाँ, मनोभाव क्या होना चाहिए? एडजस्टमेंट, इसको मत भूलो। सबसे महत्वपूर्ण है एडजस्टमेंट, क्योंकि लगता है ये अपना बैकग्राउंड में भी देख सकता रहो। तो एडजस्टमेंट को मत भूलिए, क्योंकि इस जगत में हमारे हमारे मन जैसा कभी नहीं होने वाला, समझे? हिरण्यकशिपु का पुत्र कैसा था? एकदम साधु स्वभाव का, ठीक है। राजा वीन का पुत्र कैसा था? असुर। अरे ऐसा क्यों? अगर उस वेन को अगर प्रहलाद महाराज दे देते, सॉरी वो जो कौन से थे राजा, राजा अंग का पुत्र वेन बहुत क्रूर था, तो वेन को अगर हिरण्यकशिपु को दे देते और प्रहलाद महाराज को अंग महाराज को दे देते, कितना अच्छा रहता है कि नहीं? लेकिन भौतिक जगत ऐसा करता नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। अगर पिता असुर है तो पुत्र भक्त निकलेगा, और पिता अगर भक्त है तो पुत्र असुर निकलेगा। यह है भौतिक जगत, इसको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम सबका एकदम अच्छा चला, कभी नहीं। भौतिक जगत का स्वभाव ही ऐसा है, भौतिक जगत को बनाया ही ऐसा है कि इसमें हमेशा विसंगत रहेगा, कभी इस एक दूसरे का जम रहा ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए हमें एडजस्ट करना है। और एडजस्ट हम कब कर सकते हैं? जब हमारे मन में यह कि टेम्पररी है, मैं कुछ साल ही इस भौतिक जगत में रहने वाला हूँ, मेरा भौतिक जगत टेम्पररी जगह है, मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, 5 दिन या अविलंब में हूँ, बाकी घर में जाके मुझे मिलने वाला है सब कुछ। लेकिन ये मनोभाव जब होता है ना, तो कुछ भी हो हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मनोभाव अगर धारण नहीं करेंगे तो फिर हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह है डेवलपिंग टेरिफिक एटीट्यूड। इस भौतिक जगत में जीना है तो एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। और पांचवा हमने देखा था, तो हमारे जीवन में कुछ वैल्यूज सदाचार होना चाहिए, तो उसके लिए वैष्णव एटिकेट, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में हम कभी तो इसके ऊपर सेमिनार लेंगे, वैष्णव एटिकेट। इससे अपराध कम हो जाते हैं, क्योंकि सदाचार के बिना हम भक्त में जीवन नहीं जी सकते। सदाचार हमें 22 आवर्स करना है, 2 घंटा जप करते बाकी के समय पूरा सदाचार है, तो ये वैष्णव एटिकेट। उसके बाद में छठा लास्ट का हमने देखा था, हाँ, तो हमारे हमारे कवच होना चाहिए, वो कवच क्या है? वैष्णव संघ। अगर वैष्णव संघ हमारे साथ है, और वो वैष्णव मतलब कैसा वैष्णव होना चाहिए? समवयस्क, यानी 5-6 साल उम्र इधर उधर चलेगा, लेकिन ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, समझ रहे? तो इधर उधर थोड़ा चलेगा, लेकिन थोड़ा हमारा क्या है, मन भिन्नता नहीं होनी चाहिए एकदम, भले उसके थोड़े से आवड निवड़ अगर उसका अलग होगा तो हर कुछ इतना ये नहीं, लेकिन मन भी नहीं, फिलोसॉफिकली दोनों का जमना चाहिए, बस थोड़ा इधर उधर का हो चलेगा, फिलोसॉफिकली शास्त्र बीच में लेके आएंगे तो बोले ठीक है, मेरा मित्र जो बोल रहा है सही है, ये मेरा मित्र मुझे बचा रहा है। तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें दोष बताए, मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमारी रियल स्थिति को प्रकट करे, तो हमें सिर्फ ग्लोरीफाई करने वाला मित्र नहीं चाहिए, ऐसा मित्र चाहिए जो दोनों करे। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे तो ग्लोरीफाई करेगा, अगर हमसे कुछ गलतियां हो रही तो वो बताएगा, ठीक है। ऐसा वैष्णव संघ ये बहुत जरूरी है, ऐसा ही मित्र, क्योंकि ये जो है ना ये कंटिन्यूअस संघ होता है, समझ रहे? मतलब ये रोज अगर बोलेंगे रोज तभी चलेगा, रोज के डेली डेली, ये ऐसा कोई
नैमित्तिक नहीं, डेली नित्य, मतलब ऐसा मित्र होना चाहिए कि रोज उससे बात किए बिना हमें रहा नहीं जा रहा, ऐसा मित्र जिनके साथ हम सभी आचार, मेरे मन हृदय के अंदर जो भी कुछ गलत धारणा है, गलत विचार, अच्छे विचार, मुझे जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए, कुछ भी है, उनके साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसा मित्र जो घुइये चीज को घुइये रखे, दूसरे को न बताए, समझ रहे ना? नहीं तो आपको बताएगा तो बोलेगा पता है आपको इन प्रभुजी के जीवन में क्या चल रहा है, सबको बताएगा। नहीं ऐसा नहीं, घुइया तो ऐसा मित्र, ये हमारा कवच है, कवच जैसे हम नरसिंह कवच पहनते ना रक्षा के लिए, ये भी हमारा रक्षा कवच है। और ये लाइव है, लाइव वो आपके साथ बोलेगा, नरसिंह कवच बोलेगा क्या? नहीं, पहनना चाहिए क्योंकि वो बड़े बड़े संकटों से, जो सूक्ष्म संकट हमारे ऊपर आते हैं जो दिखते नहीं ना, उससे वो बचाता है। अगर हरिनाम भी कवच ऐसा ही है, सो हरिनाम से भी बचते हैं, नरसिंह कवच से ही बचते, लेकिन जो अज्ञानता से हमारे ऊपर सूक्ष्म कुछ आता है तो नरसिंह कवच उससे हमें बचाता है। लेकिन ये कवच के साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं, समझ रहे हैं, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो हमें बता सकता है। तो ये कवच होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम 7 और 8 इसको आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये जो हम देखेंगे 7वां चीज, ये भी जैसे बाकी के महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको समझिए, अगर ये आपको खुद का अधिकार भी बता सकता है कुछ हद तक। इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको देखने से आपको अधिकार मिलेगा, और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको अधिकार बताएंगे। तो ये 7वां है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हम बहुत कम पढ़ते हैं, समझ रहे? तो वो क्या है, वो है 7वां, इसको कहते हैं गेटिंग अ लाइफ एजुकेशन। गेटिंग अ लाइफ एजुकेशन, तो जीवन में हमें एजुकेशन, एजुकेशन मतलब हमें एक ऐसा शिक्षण मिलना चाहिए, जैसे प्रभुपाद प्रहलाद महाराज प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं कि प्रशिक्षण नहीं दे रहे, और प्रशिक्षण न देने के कारण लोगों को समझता नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अभी इसको गहराई से सुनिए। एजुकेशन हमें कौन देता है? एजुकेशन शास्त्र, एजुकेशन का मेन सोर्स है शास्त्र। तो पहला शास्त्र, उसके बाद गुरु, उसके बाद साधु, समझे? गुरु सही बोल रहे या नहीं बोल रहे आपको कैसे समझ में आएगा? तो पहले आपको शास्त्र, अभी मुझे बताए पहले गुरु के पहले शास्त्र, मुर्गी क्या पहले अंडा, कौन पहले? गुरु। हाँ हाँ, लेकिन गुरु सही बोले आपको फंसा भी सकते हैं ना, तो गुरु ने गलत समझाया तो गुरु जी आपने फंसाया मुझे, समझ नहीं आया, ऐसा आप ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा है, समझ ही ऐसे क्या? परंपरा में होगा तो नहीं फंसाएंगे, बोलो भाई, ऑथेंटिक सेकंड ओपिनियन, दोनों एक साथ, साधु आचरण करते हैं, दोनों एक साथ, वो पहला क्यों रहे वो आचरण करते हैं। कुछ साधु ऐसे थे जैसे तुम आपको कहते ना, अपने आचार्य करे ना करे प्रचार, और अपने प्रचार करे ना करे आचार, ऐसे साधु भी है जो प्रचार करेंगे आचार नहीं करेंगे, कुछ आचार करेंगे बोले प्रचार नहीं करने बस। तो फिर तो पहले कौन? गुरु। देखो सब साथ में होना चाहिए, समझ रहे? सब साथ में होना चाहिए।
और इसमें ना सबसे महत्वपूर्ण है साधु, क्योंकि साधु की व्याख्या है कि वो कभी भी आपको फंसाएगा नहीं, उसको साधु कहा गया है, समझे? तो उनके इसलिए सतोवृत्ति, सतोवृत्ति समझे, सतोवृत्ति जैसे प्रभुपाद हमारे एक ऐसे साधु है, आपको क्या लगता है प्रभुपाद हमें फंसाएंगे? पहला विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? बस, क्योंकि उनका हिस्ट्री सब हमें पता है और वो ऐसे सिचुएशन पे हो कभी भी हमें फंसा नहीं सकते। तो पहला विश्वास हमारे जीवन में, अगर पहला विश्वास किसके ऊपर देना है, वो है हमारे संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो ये तो फिक्स हो गए, ठीक है। अभी बचे कौन? अभी दो बचे, कौन? गुरु और शास्त्र, ठीक है। अभी गुरु तो थोड़ा सा हमारे लिए पहले गुरु कौन है, इसलिए हमारे पूरे इस्कॉन को शिक्षा गुरु के रूप में श्रील प्रभुपाद जी। तो जब तक गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरु नहीं मिल रहे हैं, शास्त्र हमें पता नहीं है, तो तब तक हमें क्या करना है? प्रभुपाद जी को गुरु मानना है। वो हमारे गुरु मतलब शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते, उसमें से एक प्राइम, हमारे प्राइम शिक्षा गुरु वो है श्रील प्रभुपाद। उनको कभी भी क्रॉस नहीं करना है, कभी भी नहीं। कभी मन में ऐसा मत सोचे कि नहीं 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 प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी के ऊपर थोड़ा डाउट आ रहा है, मैं थोड़ा दूसरे संप्रदाय में जाकर थोड़ा सा देखता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिया है, इतना दिया है कि हमारा उद्धार हो सकता है। समय समय है क्या हमारे पास पढ़ने के लिए? अगर प्रभुपाद जी सब कुछ दे देंगे तो हमारे पास समय है पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो पहला विश्वास, अगर मुझे एजुकेशन लेना है, क्योंकि हमारा सातवां पॉइंट है कि हमें लाइफ का एजुकेशन लेना है, तो पहली श्रद्धा हमारी श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल फिक्स गाड़ी। वो ऐसे व्यक्ति है वो हमें कभी भी फंसाएंगे नहीं, क्योंकि उनका जो स्थान है वो नित्य स्थान है, समझ रहे? वो नित्य स्थान है। तो उनके एंगल से अभी मुझे बताइए, प्रभुपाद जी हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करते? उनके तात्पर्यों के द्वारा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे, प्रभुपाद एक बार कहते थे कि मेरे जो भक्त है ना, मुझे थोड़ा सा ग्लानी होती है कि मेरे भक्त मेरी किताबें नहीं पढ़ते। तो हमें पहले प्रभुपाद जी की सभी किताबों को, ग्रंथों को अच्छी तरह अध्ययन करना है, और इसमें हम कम पढ़ते। हमें क्या होता है, हमें इजी, हमें कहते प्रभु जी आप बताइए ना, हमें पढ़ना नहीं है, हम क्या बोलते हैं आप बताओ। और उससे क्या होता है, उससे वो जो बताने वाला है ना आपको रबड़ी बना के देता है, लेकिन पेट खराब है आपका, समझ रहे? आपका अगर पेट खराब है, आपको रबड़ी बना के दिया तो क्या होगा? इनडाइजेशन होगा ना, इसलिए अभी आपका इनडाइजेशन हो रहा है क्योंकि पूरा रबड़ी है, शास्त्रों का निचोड़ के रबड़ी निकाल दिया है, लेकिन आपके मन में थोड़ा है क्या ये बता रहे हैं, कितना इतना आठ, एक बताते तो ठीक है, आठ आठ वो भी बोल रहे एक भी स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रेडीमेड आपको मिल रहा है, इसलिए प्रयास आपने क्या किया है? कुछ नहीं, यहां पे आए बस। तो सिद्धांत बलिया चित्त न कर हालस, या है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो हमें विशेष करके पहला विश्वास प्रभुपाद जी के ऊपर, दूसरा अगर प्रभुपाद मेरे जीवन में कैसे है, वो है उनके किताबों के द्वारा। तो उनके सभी ग्रंथ को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, और उसमें अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारे लिए गुरु होते हैं। हम क्या बोलते हैं, गुरु जी आप ही हमारे सब, आप ही पढ़ो, आप ही नोट्स निकालो, आप ही हमें समझाओ। समय की तरह बताओ, तो ये इनडाइजेशन वाली बात है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो पहला विश्वास अगर प्रभुपाद जी के ऊपर है, और इतना पता है कि प्रभुपाद जी हमें कभी भी फंसाएंगे नहीं, तो प्रभुपाद जी ने जो दिया है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो ग्रंथों का अध्ययन अगर नहीं करते
तो हमें एजुकेशन नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ श्रवण करोगे, श्रवण मतलब समझते हैं, सिर्फ लेक्चर सुन रहे, सिर्फ लेक्चर सुन रहे, तो लेक्चर क्या है, वो बनाया हुआ रबड़ी है, बनाया हुआ स्वीट राइस है, और हमारा पेट कितने ड्यूटी का पेट खराब है, है कि नहीं। हमारा इंडाइजेशन होता है ना, सादा सादा कुछ खाते तो इंडाइजेशन होता है, ये तो शास्त्रों का निचोड़ के है, दिया गया है। जब तो श्रवण करना है, लेकिन श्रवण कैसा करना मैं आपको बताता हूं, कौन से क्लास हमें सुनने चाहिए। जब हम प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ते हैं और हमें कोई चीज समझ में नहीं आती, जैसे उसमें लिखा गया है कि निर्विशेषवाद, ऐसा लिखा है, ये निर्विशेषवाद है क्या, फिर उसके लिए निर्विशेषवाद का प्रवचन किसने दिया है वो पढ़ना है, वो सुनना है, समझ रहे हैं? हम इसको कहते हैं अच्छा अध्ययन करना। हम प्रवचन कौन सा सुनते हैं, जो कॉमेडी वाला, जो मनोरंजन वाला, जिससे हमारे जीवन से कुछ लेना देना है ही नहीं, बस प्रभु जी क्या है, उस प्रवचन सुनने में बहुत आनंद होता है, उसमें फिलोसफी कुछ नहीं होती है, और इतने जोक्स होते हैं, और समय ऐसा चला जाता है पता नहीं चलता, हम हंस हंस के, हंस हृदय खोल के हंसते हैं। तो हमारा ना एजुकेशन से उसका कुछ लेना देना है ही नहीं, समझ रहे। तो हमें ऐसे प्रवचन सुनने चाहिए जो हमें एजुकेट करे, लेकिन वो क्या एजुकेट करेगा, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको कहाँ पता चलेगा, प्रभुपा जी की जब किताब पढ़ेंगे ना, प्रभुपा जी का एक एक लाइन है ना शास्त्र के बराबर है, एक एक लाइन, क्योंकि उन्होंने सभी शास्त्र, प्रभुपा जी जब ट्रांसलेट करते थे ना, कितने शास्त्र पढ़ते थे पता है आपको, वो कम से कम 10-12 कॉमेंट्री पढ़ के उसमें से वो निकाल के देते थे। और प्रभुपा जी ने किताबें कब लिखी, वृंदावन में, कहा नहीं कब लिखी, समय कौन सा था, नहीं नहीं समय, समय मतलब दिन का कौन, 24 आवर्स में कब लिख रहे थे, 12 से 4, तो ये समय किसका होता है, सोने का होता है। तो बिल्कुल एक जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, जो महान आचार्य होता है ना, वो अपने सोने के समय पे दूसरों का उद्धार करने के लिए कार्य करता है, उसको आचार्य कहा जाता है। इसलिए आचार्य दिन में कुछ लिखते नहीं, हो कब लिखते हैं, रात को, लेकिन वो अपनी नींद को छोड़ के लिखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, रात को लिखना तो दिन बस हो जाएंगे। तो वो रात को उन्होंने लिखा, और इसलिए लिखा था कि वो भक्त, हम उनके सभी भक्त हैं ना, हमें पढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोले कि अगर आप मेरी किताबों को नहीं पढ़ेंगे, देन यू सिंपली ईट स्लीप एंड फॉल डाउन, समझ रहे। अगर आप मेरी किताबों को नहीं पढ़ेंगे तो सिंपली ईट, ईट मतलब क्या, प्रसाद मिल रहा है, अभी सब प्रसाद की अपेक्षा आई है, मतलब प्रसाद के चिंतन में है सर, कि कब आएगा कब आएगा, और वो भी आज एक ही बार है, तो बोलेंगे क्या होगा उसमें, कम तो नहीं होगा ना। तो इसलिए वो अगर सिर्फ ईटिंग कर रहे, डांसिंग कर रहे है, वो भी सुकृति बढ़ाने वाला है सब, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम उनका अध्ययन नहीं करें, प्रोबेबली सिंपली ईट स्लीप एंड फॉल डाउन। इसलिए हमें समय को निकालना है, इसलिए हम जीवन को आसान बनाते हैं ना, जो हमारा पहला पॉइंट है, तो हमारे पास समय रहेगा। अगर हम जीवन को आसान नहीं बनाएंगे तो हमारे पास समय नहीं रहेगा। इसलिए समय को निकाल के हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों का ध्यान से अध्ययन करना चाहिए, और जब अध्ययन करते हैं ना तो आपको पता चलता है, अरे ब्रह्मचारी के लिए प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, गृहस्थ के लिए ये बता रहे, वानप्रस्थ के लिए ये बता रहे, संन्यास के लिए ये बता रहे, ब्रह्मचारी के कर्तव्य ये होना चाहिए, क्या मैं कर सकता हूं, अरे गृहस्थ के कर्तव्य ऐसे, क्या मैं कर सकता हूं, उसमें आपको थोड़ा सी जिज्ञासा आएंगी। ये जिज्ञासा क्रिएट कहां से हुई, शास्त्र पढ़ने से, इसको कहते फाउंडेशन बनाना।
हम क्या बोलते प्रभु, प्रभु जी आप बताइए ना मेरा अधिकार क्या है। फिर आप क्या करें, रबड़ी मांग रहे जिसमें आपका पेट अच्छा नहीं है और रबड़ी मांग रहे, तो इसमें इंडाइजेशन होता है। नहीं प्रभु जी आपके साथ रहूंगा मैं, आपकी धोती बिल्कुल पकड़ूंगा। ये भी एक प्रकार से क्या है, रबड़ी खाने के समान ही है। खुद तो प्रयास करो ना बाबा। तो एजुकेशन अगर लेना है तो मैंने मेरे जीवन का उत्तरदायित्व तो लिया है, तो पहले मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए अपने अधिकार को पहचानने के लिए आपके मन में थोड़ा आना चाहिए, अरे थोड़ा इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, पर थोड़ा मिक्स अधिकार लग रहा है। तो फिर वो गुरु बताएंगे मिक्स लग रहा क्या लग रहा है, और गुरु जी बताएंगे नहीं वो नहीं है ये है, तो कंफर्मेशन गुरु देंगे। जैसे भागवत में व्यासदेव जी के मन में भ्रम आया था, पता है उन्होंने जब शास्त्र लिखे ना तो उनके मन में भ्रम आया कि भ्रम मतलब वो खुश नहीं थे, तो उनको लगा ऐसे मैंने क्या किया है। वो बोले कदाचित मैंने भगवान के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मन में थोड़ा भ्रमता है। उसको कन्फर्मेशन देने के लिए नारद मुनि आए, उन्होंने डायरेक्टली नारद मुनि ने पूछा कि डायरेक्टली मतलब उन्होंने कोई विचार भी नहीं किया, ऐसा नहीं विचार किया, उनको लगा कि मैंने गलती की, क्या गलती की उनको पता भी चली थी, फिर भी कन्फर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, नारद मुनि से पूछा कि मेरी क्या गलती है। उन्होंने कहा कि भगवान की लीलाओं के बारे में लिखा नहीं, फिर क्या हुआ कन्फर्म हो गया, समझ रहे। इसलिए व्यासदेव ने पहले रबड़ी बनाई, खुद बनाई, ऑफरिंग के लिए नारद मुनि को दे दी। फिर वो डाइजेस्ट होता। हमारा प्रॉब्लम है कि हम बिल्कुल पूर्ण रूप से डिपेंड रहते, पूर्ण रूप से डिपेंड रहते, और उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर वो व्यक्ति का संग हमें मिलना बंद हो जाता है फिर हमारी जीवन में समस्याएं चालू होती, क्योंकि हमारा आधार स्तंभ वही होता है। और भौतिक जगत आपको गारंटी नहीं देता है कि जिस व्यक्ति से आपको प्रेरणा मिल रही है, जो व्यक्ति आपको मोटिवेट कर रहा है, जिस व्यक्ति ने आपकी जिम्मेदारी ली है, वो आपके साथ जीवन भर रहेगा कि नहीं रहेगा, वो प्रकृति आपको गारंटी नहीं देती है। समझ रहे हैं? इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग, ये जिम्मेदारी है मेरी, क्योंकि मैंने पहले मेरे जीवन का उत्तर तो लिया है ना, तो मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि भौतिक जगत में संग होगा नहीं होगा कुछ भी हो सकता है, तो हम अगर किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक ही व्यक्ति बस, बाकी हमें कुछ पता नहीं, एक ही व्यक्ति, तो अगर आपको एक व्यक्ति है तो प्रभुपाद जी को पकड़ो, बाकी किसी को मत पकड़ो, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति कभी हिलेंगे नहीं, समझ रहे। तो उनके निर्देशन में प्रभुपाद जी के जो भी अनुयायी है, उनके प्रतिनिधि है, उनकी परंपरा में जो भी आते हैं वो हमारे शिक्षा गुरु के समान है, लेकिन पहले मेन शिक्षा गुरु प्रभुपाद है, क्योंकि गारंटी के साथ प्रभुपाद उस जगह से कभी हिलेंगे नहीं। लेकिन अगर हम किसी एक व्यक्ति जो अनर्थग्रस्त है, जो बद्ध है, भौतिक जगत में है, भले वो थोड़ा सा सीनियर हो सकता है, लेकिन अगर उसको ही आपका गुरु मानेंगे और बोलेंगे वो जो वो कहेंगे मैं करूंगा, प्रभु जी आपके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, पूरा आपके लिए मैं जान भी दे सकता हूं, बोलो क्या करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए, शास्त्र के ऊपर होना चाहिए बेस। आप अगर गुरु को बोलेंगे ना, प्रभुपाद जी बोलेंगे आपके लिए मैं जान दूंगा, प्रभुपाद बोले भगवान के लिए दे दो मेरे लिए मत दे दो, उसको गुरु कहते, क्योंकि आपके जो आपका जो जीवन है ना वो भगवान के लिए, वो गुरु ऐसे बताएंगे। तो इसलिए ये जो अफेक्शन है इसको भौतिकता कहते हैं। भौतिकता का मतलब क्या है, व्यक्तिनिष्ठ जीवन जीना, मुझे शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे संस्था से कुछ लेना देना नहीं है, बस आप है ना प्रभु जी, बस आई लव यू, बस ये भौतिकता है, ये बिल्कुल भौतिकता है। तो इसलिए हमें पूर्ण रूप से हमारे जीवन को अगर एजुकेट करना है तो हमें शास्त्र को पढ़ना है। उसमें जो भी आपको डाउट आता है उसके लिए आपके आपको अनेक प्रवचन मिलेंगे, उसमें भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जो हमसे ऊपर। अभी वैष्णव संघ वर्टिकल हो गया, अभी हॉरिजॉन्टल जो है, सॉरी हॉरिजॉन्टल हो गया, अभी वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊपर वाले, ऊपर वाले ऐसे होने चाहिए जो हमारे मन में अभी इतना सब करने के बाद प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिल रहा है। मैंने वो प्रवचन भी सुना, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ा,
प्रवचन सुने लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर उनके पास जाना चाहिए। वो है वर्टिकल, हमसे ज़्यादा, उसको शिक्षा गुरु भी कहते हैं, या थोड़े आपके काउंसलर रहेंगे या वरिष्ठ भक्त रहेंगे। मैं तो खाली पी लूँ उनको जाके, प्रभु जी ऐसा है, वो ऐसा है, ये है, वो है, तो वो आपको उतना समय नहीं दे सकते। इसलिए आपको रबड़ी बनाना पड़ेगा, उसमें जो तड़का है और ड्राई फ्रूट है वो डालेंगे समझ, लेकिन बाकी जो प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। इसलिए लाइफ को अगर एजुकेट करना है तो पहले हमारे जीवन में प्रभुपाद जी को पहला स्थान देना है, पहला स्थान प्रभुपाद, ठीक है। उसके बाद में उनके ग्रंथ, और उनके ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपको अपने आप समझ में आएगा, जो समझ में आता है उसको स्वीकार करो, उसको कन्फर्म करो। कन्फर्मेशन के लिए शिक्षा गुरु है, काउंसलर है, वरिष्ठ भक्त है, यह है वर्टिकल, ठीक है। ये जो संघ है, जैसे वैष्णव संघ जो कवच है वो डेली बेसिस के ऊपर है, वो डेली रहेगा। ये जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल ये डेली नहीं रहता है, ये हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, ये डेली नहीं रहेगा। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम डेली करना चाहते हैं। जिनके साथ डेली करना है वैष्णव संघ, उनके साथ नहीं करते। और हम चाहते हैं कि हमें रोज संघ मिलना चाहिए, किनका, जो वर्टिकल, वो मिलेगा नहीं, वो कभी नहीं हो, इम्पॉसिबल है, समझ रहे। और ये हमारा वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ जो डाउट है वो हॉरिजॉन्टल जो वैष्णव उसमें होने चाहिए, जो होता ही नहीं, आपको प्रयास करना पड़ेगा। देखो अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है ना, उसको जो भी बताया जाता है ना उसको डाइजेस्ट होता है, लेकिन बिना प्रयास के अगर हम कुछ भी जो भी करेंगे वो हमें डाइजेशन नहीं होगा। इसलिए पहला एजुकेशन लेना है तो पहला विश्वास हमारा श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर होना चाहिए, उनके बाद में उनके ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, ग्रंथ हमें बताएंगे। तो आपके मन में प्रश्न होता है ना, प्रभु जी मेरा अधिकार क्या है, अधिकार क्या है, अधिकार क्या है, तो डायरेक्ट जाके किसी को पूछो मत। हाँ, पहले ब्रह्मचारी बनने का अधिकार क्या है, गृहस्थ का अधिकार क्या है, वानप्रस्थ का क्या है, सन्यास, उसको पहले पढ़ो, फिर अपने जीवन में उसको रिफ्लेक्ट करने का प्रयास करो। जीवन में उत्तर कौन सा मेरे इसमें है, मेरे मुझ में कौन से नहीं है, तो उसको पहले जीवन में चेक करने का प्रयास करो। फिर आप जिस साधु के संगति में आप रहते हैं ना, वो भी आपको बताएंगे, समझ रहे, वो भी आपको बताएंगे, वो कंफर्म करेंगे। कभी कभी हमारी गलती हो सकती है, हाँ, हम गृहस्थ बनना चाहते हैं, आपको लगता है मेरे गृहस्थ के कुछ तो स्वभाव है, आपका ब्रह्मचारी का हो सकता है, तो वो बताएंगे। लेकिन पहले आपको शास्त्र से पढ़ना पड़ेगा। अगर शास्त्र से नहीं पढ़ेंगे और आपको अगर रेडीमेड चाहिए, रेडीमेड, अभी रेडीमेड का जमाना है ना एकदम, तो वो गड़बड़ करता है। इसलिए डीओटी के जीवन में समस्या, मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है, डीओटी के जीवन में समस्या आती है क्योंकि वो एक ही व्यक्ति पर विश्वास रखता है और व्यक्ति का संग उसको नहीं मिलता है, फिर वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए समस्या है कि हमें जिम्मेदारी खुद लेनी है, समझ रहे, जिम्मेदारी खुद लेनी है। तो मेरा पहला विश्वास प्रभुपाद जी को, उनके बाद में ग्रंथों का अच्छी तरह से अध्ययन करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से, और उसमें जो भी कुछ समझ में नहीं आता है उसके टाइटल निकाल के उसके प्रवचन सुनने चाहिए। उस प्रवचन में भी अगर कुछ समझ, प्रवचन में कुछ समझा नहीं समझा जो भी है, उसके लिए कंफर्मेशन के लिए हमारे वर्टिकल जो हमारा सोर्स है वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे नहीं रहता है। इसलिए उनके साथ हमारा 1-to-1 क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, 1-to-1 मैं बोल रहा हूँ, किसके साथ, सिर्फ प्रवचन से भी कुछ होने वाला नहीं, 1-to-1, क्योंकि हमारे डाउट्स बाकी के डाउट्स अलग रहेंगे, तो कभी तो उनका अपॉइंटमेंट लेके उनके साथ बैठ के अच्छी तरह, इसको गुह्यम आख्यति पृच्छति कहा गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कि यहाँ पे पूरा आपका हार्ट का और उनके हार्ट का ना, मतलब एक क्या बोलते, मिलन होने वाला है, और वहाँ पे आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा एक तो संग मिल रहा है, आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, और आपको शक्ति मिलने वाली, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ हम जब बैठते हैं तो सिर्फ उपदेश नहीं मिलते, वो शक्ति भी देते। इसलिए प्रवचन नहीं, 1-to-1 होना चाहिए, उनके साथ में बैठ के वो डिस्कशन होना चाहिए,
लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए, ये मैंने पढ़ा, मुझे समझा, मैंने ये किया, फिर भी नहीं समझा, थोड़ा बहुत समझा, क्या ये सही है क्या, समझ रहे ना? नहीं तो मैं बैठा हूँ, गुरुदेव आप मुझे बताइए, आप मेरा आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप जो बताएंगे मैं पालन करूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो लाइफ को अगर एजुकेट करना है, लाइफ को अगर प्रशिक्षित बनाना है ना, तो खुद का जिम्मेदार है कुछ तो, इसलिए शास्त्रों को पढ़ना है। इसलिए हमारे लिए साधु पहले आते हो, हमारे लिए साधु कौन है? प्रभुपाद, फिर शास्त्र, और शास्त्र बताते हैं कि हमारे गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु को कैसे ढूंढना है, गुरु कैसे होते हैं, गुरु की योग्यता क्या होती है, गुरु के साथ बिहेव कैसे कर सकते हो, गुरु से कौन से प्रश्न पूछ सकते हो, सब शास्त्र बताए, समझ रहे? तो ये जो गुरु साधु शास्त्र है ना, ये हमारे जीवन का एजुकेशन का साधन है, और ये भक्कम होना चाहिए। ये अगर भक्कम है तो हम जीवन में निश्चित रूप से हम प्रगति कर सकते हैं, इसमें ही हमारा अधिकार छिपा है। अगर शास्त्र से हमें कंफ्यूजन है, शास्त्र कंफ्यूज कर रहा है कि मेरा अधिकार कभी ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, कभी कभी हमें लगता है, तो हमें गुरु से जाके सैंक्शन करना, समझ रहे ना? तो इसमें आपको थोड़ा आपका है, बाकी गुरु का है, लेकिन आप पूर्ण रूप से जाके बोलोगे ना, मेरा आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, अभी घर छोड़ू क्या? इसको भौतिकता कहते हैं, इसको लौकिक श्रद्धा कहते हैं, लौकिक श्रद्धा, समझ रहे? हमें शास्त्रीय श्रद्धा से कार्य करना है। तो जो लाइफ एजुकेशन है ना, वो शास्त्रीय श्रद्धा से लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र है ना, जब शास्त्रीय श्रद्धा बढ़ती है ना, व्यक्ति को सिर्फ शास्त्र के ऊपर विश्वास ही नहीं आता है, शास्त्र के ऊपर विश्वास भी आता है, लेकिन शास्त्र उसको बल भी देता है। अभी क्या होता है पता है, हमें शास्त्र के प्रमाणों के ऊपर विश्वास है, लेकिन बल नहीं मिल रहा है, समझ रहे ना? बल नहीं मिल रहा, बल कौन देता है? अरे वो भी व्यक्ति है, वो ग्रंथ भी व्यक्ति है, उसको ग्रंथ भागवत कहा, जैसे एक व्यक्ति भागवत होता है ना, वैसे ग्रंथ भी भागवत, वो भी व्यक्ति है, वो भी हमें बल देता है। इसलिए पेज बाय पेज यू बिकम ए सेज, पेज बाय पेज आप पढ़ते जाएंगे ना, यू बिकम ए सेज, तो वो व्यक्ति है। तो शास्त्रीय श्रद्धा हमें ऐसा शक्ति देता है जिसके कारण हम अनर्थों के साथ लड़ाई कर सकते, लौकिक श्रद्धा में वो शक्ति नहीं है। इसलिए लौकिक श्रद्धा में हमारा क्या होता है, फुगा एकदम ये होता है, लौकिक श्रद्धा मतलब अभी सुना एकदम ऐसा लगे प्रभु जी अभी अभी ऐसा लग रहा है कि मैं शुद्ध भक्त बन गया, एकदम अब फूक गए, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर ऐसा होने वाला, ये होता है। तो यात्रा में चार्जिंग फुल होता है, लेकिन उधर जाने के बाद वातावरण सब संसार ये दुनियादारी वो ये, तो भूल जाते हैं हमने यात्रा में क्या सुना था। इसको लौकिकता कहा है, देखो लौकिकता ने मोटिवेट इंस्पिरेशन, ये लौकिकता है, मेन चीज है शास्त्र। तो लौकिक श्रद्धा ज्यादा दिन नहीं रहती है और वो बल नहीं देते, तात्पुरता बल होता है, लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा व्यक्ति को शाश्वत रूप से बल देता है। इसलिए हमारा बेस शास्त्र है, पहले प्रभुपाद, उसके बाद में शास्त्र, फिर गुरु, काउंसलर, शिक्षा गुरु, जो भी है, समझ रहे? इससे हमारे जीवन में, हमारे जीवन में एजुकेशन, हमें शिक्षण मिलेगा, और ये शिक्षण हमें भगवान की तरफ लेके जाएगा। तो ये है सातवां, गेटिंग अ लाइफ एजुकेशन, ठीक है? तो इसके अंदर किसी कोई प्रश्न है? यस प्रभु, ओनली हरिनाम सोला माला करके भी कोई शुद्ध बन सकता है, फिर उसको शास्त्रों का भी सहायता लेना पड़ेगा? केवल कोई हरिनाम कर रहा है पर बुक्स नहीं पढ़ रहा है। इनका प्रश्न बहुत अच्छा है कि कोई हरिनाम कर रहा है और पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो क्या वो शुद्ध भक्त बन पाए? शुद्ध भक्त क्यों नहीं बनेगा? लेकिन उसका हरिनाम कभी रुकना नहीं चाहिए। देखो हम पुस्तक क्यों पढ़ते हैं? पुस्तक इसलिए पढ़ते हैं कि हमें हरिनाम में श्रद्धा बढ़े। अगर आपके हरिनाम को पूरा श्रद्धा है और हरिनाम के बिना आप जी नहीं सकते, समझ रहे ना? आपको जैसे ही समय मिलता है आपकी पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण ध्यान से आप हरिनाम कर रहे, तो फिर आपको ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा होता है क्या?
ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए हमें शास्त्र को पढ़ना चाहिए। इसलिए मुक्त पुरुष जो होते हैं उनको मुक्त पुरुष का चलना बोलना ही शास्त्र होता है। जब तक हम अनर्थ ग्रस्त है ना, आपके हरिनाम के बीच में अनर्थ आएंगे। उन अनर्थों को कैसे समझेगा कि ये अनर्थ है? शास्त्र पढ़ने से। इसलिए शास्त्र को पढ़ना है। जैसे सोलह माला जब महत्वपूर्ण है ना, वैसे शास्त्र पढ़ना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र हमारे बुद्धि को स्ट्रांग करता है, वो विवेक देता है। विवेक अगर शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हमारा विवेक सोया रहेगा, लेकिन शास्त्र को पढ़ेंगे तो विवेक जागरूक। विवेक यानी बुद्धि। बुद्धि में ना, बुद्धि में भेद करने की शक्ति आती है, अच्छा है बुरा है। और सिर्फ भेद नहीं, शास्त्रीय श्रद्धा जो गलत है उसको त्यागने की शक्ति देती है, और जो अच्छा है उसको स्वीकार करने की शक्ति देती है। तो शास्त्र से शक्ति मिलती है, उसको ही श्रद्धा कहा गया है। जो शास्त्रीय श्रद्धा के ऊपर जीवन जीता है ना, उसको शास्त्र अनर्थों के साथ लड़ने का शक्ति भी देता है। इसलिए शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए आपका हरिनाम करना है, हरिनाम ही सब सोलो। आप शास्त्र पढ़ोगे तो सार निकलता है, हरिनाम ले लो। लेकिन आपको अगर बिना अड़चन 24 आवर्स, आपका जीवा रुकता ही नहीं हरिनाम के बिना, आपको पकड़ना पड़ेगा। ऐसे अगर अवस्था है अपनी तो फिर आपको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें शास्त्र को पढ़ना है, ये बहुत जरूरी। और यहाँ पे ही डीओटी कम पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है, हर एक को ना लेक्चर सुना बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? सबका एक अनुभव है, लेक्चर सुना बहुत अच्छा लगता है लेक्चर, क्योंकि वहां पे मेहनत कुछ नहीं ना, सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है। सब वो बनाया बनाया मिल रहा है। अभी इसको ना मैंने ये पूरा पढ़ के ना बनाया और रेफरेंस भी लिया है। ये शिक्षा अष्टक प्रभु ने एक आर्ट ऑफ रिलीविंग के अंदर उन्होंने 8 स्टेप लिए, तो उनका हेडिंग मैंने लिया, लेकिन तात्पर्य को पढ़ के उन हेडिंग के बीच में क्या देना है मैंने बनाया, लेकिन मुझे हेडिंग नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ तो मिलना चाहिए। तो आप अगर ये पूरे 6 अध्याय को पढ़ेंगे ना, सार ये निकलेगा। आप पढ़ो समझ। तो रेफरेंस मुझे लेना पड़ा है, क्योंकि मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, रेफरेंस लेना पड़ा मुझे। लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्या बोला वो नहीं देखा, लेकिन उनका हेडिंग मैंने लिया, 8 स्टेप लिए। उसके अंदर ये 6 अध्याय को पढ़ के अच्छी तरह से उनको समझ के, और जो भी मेरा इतना अनुभव है उसको एकत्रित करके मैं बोल रहा हूँ, समझ। नहीं तो कॉपी करके बोलना बहुत अच्छा है, कॉपी कर भी बोल सकते, नहीं नहीं तो हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए शास्त्र हमें मदद करते हैं, शास्त्र हमें बल देते हैं। शास्त्र का बल ही सबसे अच्छा बल है। मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है, इंस्पिरेशन कुछ समय के लिए होता है, एंटरटेनमेंट कुछ समय के लिए होता है, लेकिन शास्त्र बल हमें सदा समय के लिए होता है। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। ओके प्रभु, ओके। और किसी कोई प्रश्न है? एकदम शांत हो गए। ये समझ में आया ना सबको? नहीं तो ऐसा नहीं ना कि सब ऊपर ऊपर से चला जाए, ठीक है ना? आप सब मेरे साथ है क्या? ओके, तो अभी हम 8 स्टेप देखने वाले, ठीक है? कितना समय हुआ? 9:44। ओके ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने जो बोला और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, तो उसमें आपको अगर नहीं आया तो ठीक है, लेकिन आएगा तो अच्छा होगा कि आपको समझेगा कि एक्चुअली कंफ्यूजन क्या है, ठीक है? क्योंकि हम पहले बोले कि हमारा खुद का जिम्मेदारी खुद लेना है, हमें एजुकेशन खुद प्राप्त करना है, तो पहले प्रभुपाद उसके बाद में खुद प्रयास करना। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही सुनने को मिलेगा, ठीक है? तो मैं अभी साधु एसोसिएशन शास्त्र एजुकेशन एंड गुरु कन्फर्मेशन बराबर साधु एसोसिएशन शास्त्र एजुकेशन एंड गुरु कन्फर्मेशन। हाँ, परफेक्ट फॉर्मूला निकाला उन्होंने, थैंक यू प्रभु। यस परफेक्ट, सबको समझ में है ना? एसोसिएशन साधु का, बाद में एजुकेट हमें क्या करेगा? शास्त्र करेगा, लेकिन कंफर्म कौन करेगी? परफेक्ट। तो अभी 8वां चीज है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है लीडिंग अ लाइफ ऑफ लाइफ विथ ह्यूमिलिटी। तो हमारे जीवन में हमें जीवन जीना है ना, तो
नम्रता के आधार के ऊपर जीवन जीना है। तो आप मुझे बताइए नम्रता है क्या? हाँ हम्बल, वो इंग्लिश हो गया है क्या? नम्रता काय? क्रेडिट आपण नाही घ्यायचं, क्रेडिट उनको देना है। ओके मॉडेस्टी। हाँ मॉडेस्टी, आपण क्रेडिट नाही घ्यायचं। अच्छा सब कुछ हमें करना है और बोलने का मैंने नहीं किया। हाँ कुट कुट, यही नम्रता है। और क्या, कैसे समझ में आएगा कि मैं नम्र हूं? नंबर द मीनिंग टेकिंग अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर। एक एक हां, नंबर द मीनिंग टेकिंग एक्शन अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर एंड आवर आचार्यस इंस्ट्रक्शन। अच्छा प्रभु जी का कहना है कि शास्त्र के अनुसार जीवन जीना है, आचरण के अनुसार अगर जीवन जीना है जीते तो उसको नम्रता कहते। ओके गुड डेफिनेशन। और एडजस्ट कर रहे तो कल तो आपका दिमाग में बैठा है, एडजस्ट कर रहे तो हम नम्र है। ओके गुड डेफिनेशन। और हाँ तो कोई अपेक्षा नहीं, हम कर्म कर रहे, गुड अच्छा डेफिनेशन। हाँ पालन कर रहे तो हम नम्र है। ओके और दासानुदास भाव एक्सेप्ट करते हैं तो गुड अच्छा गुड डेफिनेशन। और टॉलरेंस। ओके हाँ वो एक आने वाला है। थैंक यू प्रभु। यस यस। और अगर हम अपराध नहीं कर रहे तो हम नम्र, मतलब अपराध नहीं कर रहे और दोष नहीं देख रहे दूसरों में तो हम वो नम्र लगते हैं। ओके गुड। प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए, नम्रता। ओके गुड डेफिनेशन। और किसी को बोलना है? यस वैष्णव एटिकेट फॉलो करना। ओके और हमें जो मिला है उसके हम पात्र नहीं है, उसको ग्रेटिट्यूड देना है। हाँ मतलब हम क्या जो हमें मिला है उसका कृतज्ञता। ओके ओके गुड गुड। और दुसऱ्याला उद्विग नाही करायचं। ओके नम्रता। और किसी कुछ बोलना? यस 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 परफेक्ट गुड गुड। और ओके गुड। और ओके ये कह रहे थे कि अपने से कोई और बड़ा है तो उसको अप्रिशिएट करना है, नम्रता है। गुड। और यस हरी उसके तो आप एकदम उदाहरण है कि बंदर भी कुछ बोले तो ये ले प्यार कर, आप केला ले लो जो लेना है ले लो, बस मुझे मत ले लो। यस सचिन प्रभु। मैं बाहर जो वही मैं साधु की संगति में आपने आपको दिखा रहा हूँ वही नम्रता। यस और परफेक्ट। अहिंसा ही नम्रता है। अहिंसा ही नम्रता है। नहीं कभी कभी हिंसा करना पड़ता है, कभी कभी जो मतलब भक्ति में कभी कभी हिंसा करनी पड़ती है भक्तों के लिए, भक्तांसाठी नहीं, मतलब भक्त के साथ व्यवहार नहीं, लेकिन भक्तों के लिए हमें दूसरों के साथ हिंसा करनी पड़ती है अर्जुन। तो ठीक है एक समय पे। ओके ओके प्रभु एक हम्बल डिवोटी वो होता है जो एट द सेम टाइम वज्र की भांति कठोर होता है और फूल की तरह कोमल होता है। हाँ ठीक है, वो डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो आप सबने बहुत ही सुंदर उत्तर दिए, फिर भी कुछ हमारे कुछ भक्तों ने मिल के एक स्केल ऑफ ह्यूमिलिटी ऐसा निकला, उसमें चार चीजें, तो ये चार चीजें अगर मेरे जीवन में चल रहे तो समझने की कि मैं सही में नम्रता के साथ, हमारा टाइटल क्या है लीडिंग ए लाइफ विद ह्यूमिलिटी। हाँ तो हम हमारे जीवन को नम्रता के साथ जी रहे वो समझ में आएगा। तो पहला चीज उसमें चार आते, पहला चीज है कि हाउ मच आई ईगर टू सर्व और आई वॉन्ट टू बी सर्व। क्या इसका हिंदी होगा? कितना तो मैं कितना दूसरों का सेवा करना चाहता हूँ
या मैं दूसरों से कितना सेवा चाहता हूँ, इसमें से कौन से महत्वपूर्ण है? तो हमारा क्या होता है, बोलते ये चारों की सेवा मैं ही करूंगा, ये चार लोग मेरे सेवा करेंगे। तो ऐसा नहीं, हमेशा। एक बार परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज जी के पास शिष्य गए। देखो मैंने जब सुना ना, मैं बोला वाओ क्या, मतलब गुरुजन होते ना उनका वो क्या ऐसे सोचते। तो एक भक्त गए और महाराज जी को पूछा कि मतलब उनके साथ बात हो रही थी, तो महाराज जी उनको बोले कि देखो मैं आपकी कैसे सेवा करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? अगर आपको मुझे मतलब गुरु के रूप में स्वीकार करना है तो मैं गुरु बन के आपकी सेवा कर सकता हूँ, या आपको दूसरा कुछ चाहिए तो मैं आपको दूसरे इसमें सेवा करना चाहता हूँ, मुझे तो आपकी सेवा करनी है, और आपको मुझसे दीक्षा लेनी है तो मैं गुरु के रूप में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जनरली गुरु का क्या होता है, मैं गुरु ना तो शिष्य ना, तो अभी क्या सेवा कर मेरी। लेकिन गुरु ऐसे सोचते कि मैं शिष्य की सेवा कर रहा हूँ। तो देखो कितना बड़ा मनोभाव है यहाँ पे। तो ये हमारे जीवन में है कि ज्यादा से जो भी हो, जो भी मैं कार्य करता हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे लगना चाहिए कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, सही में लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा है ना तो ये कोई अच्छा डीलिंग नहीं है। मुझे लगना चाहिए कि ये सिर्फ मेरा सेवा है आपको बताना, और आपको लगना चाहिए कि नहीं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, मुझे लगना है मुझे आपकी सेवा करनी। तो जितना ये हम सोचेंगे कि मुझे दूसरों की सेवा करना है, दूसरों की सेवा करना है, दूसरों की सेवा करना है, ना कि मुझे दूसरे से सेवा लेना है, तो कभी भी हमारी निजी सेवा या जो भी आदि अथॉरिटी हमें सेवा देती है उस सेवा को कभी दूसरों को कभी नहीं देना है, कभी नहीं देना है। क्योंकि सेवा करना यही हमारा मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि हम सेवक हैं, हम सेवा ही नहीं करना चाहते तो हम सेवक कैसे फिर। इसलिए हमें लालयित होना चाहिए दूसरों की सेवा करना, कभी भी दूसरों से सेवा नहीं लेना है, समझ रहे। इसलिए प्रसाद सर्विंग एक ऐसी सेवा है वो हमें दूसरों को देना ही पड़ता है कि नहीं। इसलिए प्रसाद सर्विंग की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी सेवा है कि हमें देना ही पड़ता है। ऐसे कुछ सेवा है उसमें बुद्धिमान होना चाहिए, जैसे सर्विंग करना है, किसी का सेविंग करना है। और अगर किसी की सेवा करनी है ना, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि सेवा कर रहे हैं, समझ रहे। कभी कभी उनकी सेवा करते तो उनको वो पसंद नहीं है, फिर वो डांटते हैं, क्रोध भी आता है। तो हमें ऐसी सेवा करनी है, सेवा भाव जिसके अंदर होता है ना, वो ऐसी सेवा करता है पता भी नहीं चलता कि सेवा की है। और किसने की हमें पता नहीं है, बस नहीं तो प्रभु जी मैंने सेवा की। इसलिए पहला है कि मैं अगर मेरे जीवन नम्रता से जी रहा हूं तो पहला चीज है मैं दूसरों की कितनी सेवा करता हूं या मैं दूसरों से सेवा लेता हूं। तो हमेशा होना चाहिए मैं दूसरों की सेवा करूं, दूसरों से कम सेवा ले लो। अभी जो है सर्विंग है, जो भी है, जितना लेना है वो ले सकते, लेकिन ज्यादा हमारा सेवा दूसरों को कभी नहीं देना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तो पहला है, समझ में है, हाउ मच आई ईगर टू सर्व और आई वॉन्ट टू बी सर्व। दूसरा है हाउ मच आई ईगर टू रिस्पेक्ट और आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्ट by others। तो कितना सम्मान मैं दूसरों को देता हूं, मेरी इच्छा है कि मुझे दूसरों को सम्मान देना, या सम्मान की मैं अपेक्षा करता हूं, दूसरे हमेशा मेरा ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, मुझे सम्मान देने चाहिए, हमेशा मेरी गुणगान गाने चाहिए। हाँ, तो मेरे ऊपर एक गुणगान स्तोत्र होना चाहिए। तो जब मैं आपके सामने आऊंगा स्तोत्र बोलना चाहिए, बस एक अष्टक लिखो बोलने का, तो वो मेरे लिए एक अष्टक लिखो। समझ रहे। तो बिल्कुल हमें सम्मान लेने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अमाने न मान देन, उसके ऊपर हमारा पूरा जीवन आधारित। अमाने न मान देन, सकले सम्मान, सकले सम्मान। अब ये जो सम्मान है ना, ये रिस्पेक्ट है ना, उसके स्तर है किसको कैसा सम्मान देना चाहिए।
जो नवोदित होते हैं, हमसे थोड़े नवोदित होते हैं, उनको सम्मान की अलग यह है, हमसे जो बराबर होते हैं उनको सम्मान अलग देना है, जो हमसे वरिष्ठ होते हैं उनको सम्मान अलग देना है, जो गुरु होते हैं उनको सम्मान अलग देना है। लेकिन सम्मान देना है हर एक व्यक्ति को। कोई हमसे अगर कोई नया है, हम थोड़े सीनियर हैं, कोई नया है, तो उनको भी सम्मान देने की अपेक्षा अभिलाषा हमारी होनी चाहिए। कभी भी दूसरों से सम्मान नहीं लेना। भक्तिन ठाकुर एक भजन में कहते हैं, क्या है वो भजन? शुक्रेर विष्टा दुष्टमा नहीं प्रतिष्ठा, हाँ क्या है वो शुक्रेर विष्टा। तो जड़ेर प्रतिष्ठा, जो हम अपेक्षा पाते हैं कुछ कुछ करने के बाद, हमने मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे क्रेडिट चाहिए, तो अपेक्षा करते, सम्मान की अपेक्षा करते ना, ये शुक्रेर विष्टा कहा है। शुक्र की विष्टा क्यों कही? क्योंकि शुक्र किसकी विष्टा खाता है? मनुष्य की। तो डबल विष्टा हो गई, वो क्या बोलते उसे शुक्र मनुष्य की विष्टा खाता है और उसकी विष्टा इतना भयानक है। एक बार परम पूज्य राधारमण स्वामी महाराज जी को प्रश्न पूछा गया कि महाराज, वो गुरु उनका उनका ये हो रहा था, व्यास पूजा हो रहा था, और व्यास पूजा में उनका व्यास पूजा में गुणगान होता है ना, बहुत गुणगान होता है, गुरु का गुणगान, वो शिष्य का कर्तव्य गुरु का गुणगान करें, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की तरफ हमें लेके जा रहे हैं उनका गुणगान करना ये शिष्य का मुख्य कर्तव्य है। तो उनका गुणगान हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। महाराज जी को प्रश्न, महाराज जी आपको कैसा लग रहा है, हाउ यू फील? तो महाराज बोले, आई एम फीलिंग दैट आई एम ईटिंग अ स्टूल। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं विष्टा खा रहा हूँ। देखो परफेक्टली सिद्ध हमको मैच करता है। यह है गुरु तत्व, यह साधु, यह गुरु, और हमें उनकी वृत्ति धारण करनी, उसको साधु वृत्ति का ऐसा तो उनकी वृत्ति धारण करनी। तो इसलिए हमें कभी भी खुद को सम्मान लेने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा दूसरों को सम्मान देना है। ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा है, हाउ मच आई कंसर्न फॉर अदर्स और हाउ मच आई कंसर्न फॉर माई सेल्फ। ए तुम्ही बाजू सका, मला भूक लागली, मला घेऊ द्या पहिले। हमेशा हम क्या बोलते, पहले मुझे चाहिए, मुझे हमेशा आप बोलना चाहिए कि दूसरों की मैं कितनी चिंता करूं, उसको मिला क्या, समझ रहे? जो डिवोटी के संग में रहते हैं ना, तो पहले मेरा नंबर, प्रसाद के लिए नंबर मेरा, गाने के लिए नंबर मेरा, सोने के लिए नंबर मेरा, टॉयलेट बाथरूम में नंबर मेरा, जब मैं मेरे बाद बाकी सब। तो हमेशा हमें लगना चाहिए कि हम दूसरों की कैसे, दूसरों की चिंता करें, उसको मिला क्या। एक ध्यान में रखो, जब हम कम्युनिटी में रहते हैं ना, देखो तो बेस में ना, बेस में मंदिर में ऐसा होता है, अच्छा कोई प्रसाद हो तो हम बाकी पीछे कौन है उसकी चिंता ही नहीं करते, बस है ना खा लो। अच्छा सब्जी है तो सब्जी एकदम तुरंत खत्म हो जाता है, लेकिन सब्जी अगर पसंद नहीं तो वैसा ही रहता है वो, इसका मतलब समझ रहे ना, ये प्रैक्टिकल अनुभव, मैं भी उस तरह से गया हूँ। तो हमें हमेशा जब प्रसाद लेते तो हमें चिंता करनी चाहिए कि दूसरों को मिलेगा क्या। प्रभु जी मला भूक लागली, बाकी मला माहित नहीं, कहे आना द्या, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमेशा कि मैं अगर ले रहा हूँ तो जो बाकी के हैं उनको मिलेगा क्या, प्रभु जी उनके लिए है क्या, मैं पूरा ले लूँ या उसमें से आधा ले लूँ, कोई है क्या, कोई बचा है क्या। ये नम्रता का जीवन है, इसको नम्रता कहते हैं। मैं दूसरों की चिंता कर रहा हूँ, लेकिन हम खुद की चिंता में रहते, मेरा क्या होगा, मेरा नींद, मेरा जब, मेरा सेवा, मेरा ये, मेरा मेरा मेरा। तो इसको कहते आई कॉन्शियसनेस, आई कॉन्शियसनेस। एक है कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक है आई कॉन्शियसनेस। तो आई कॉन्शियसनेस किल्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हमेशा मैं तो वो बकरी कैसे मैं करती है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें हमेशा दूसरों की चिंता करनी चाहिए, उनको मिलेगा क्या, उनके उनके लिए सुविधा है क्या, या मैं ही ले रहा हूँ। तो कंसर्न हमेशा होना चाहिए, कंसर्न, ये डिवोटी का रूल, इसको नम्रता कहा गया। तो कितना हद तक मैं मेरे बारे में सोचता हूँ और कितना हद तक मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ, जितना हद तक मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ इसको नम्रता कहा है।
लेकिन हम मैं खुद ही मेरे बारे में हमेशा आई कॉन्शियस में चले जाते हैं, वो नम्रता नहीं है। तो ये तीसरा हो गया। और चौथा है, अभी देखो ये प्रश्न आपने उठाया था ना कल रात को, अभी यहाँ पे आए रहे, हाउ मच आई फील डिपेंडेंस ऑन गुरु एंड कृष्णा और डिपेंडेंस ऑन मी। तो कितना हद तक मैं विचार करते, मैं पूर्ण रूप से गुरु और कृष्ण के ऊपर मैं आधारित जीवन जीता हूं, या मुझे गुरु कृष्ण से ज्यादा मेरे ऊपर भरोसा है। तो इसमें से कौन सा नम्रता है? गुरु और कृष्ण, ना बराबर ना। गुरु और कृष्ण के ऊपर हमारा पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, ना कि खुद के ऊपर। ये सही है, इसके लिए सब राजी है। ओके, तो हमने शुरुआत में पहला मुद्दा क्या था हमारा, इसमें क्या है, इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? खुद ले रहे ना। इसमें हमारा पहला ही क्या था कि जिम्मेदारी मेरी, मुझे खुद लेना है, मैं जिम्मेदार हूं, मैं सब करने वाला, मुझे करना है। और ये लास्ट ह्यूमिलिटी क्या बोल रही है, हमें पूर्ण रूप से किसके ऊपर, किसके ऊपर विश्वास रखना है, हमारा पूरा जिम्मेदारी किसको देना है। अभी इसको आप मुझे समझाओ, इसको कैसे हम समझ सकते हैं। यस प्रभु, गुरु और कृष्ण ने जो दिया है उसे हमें पालन करना है, जो कुछ मिलने वाला है उसके लिए हमें गुरु और कृष्ण को देना है। गुरु और कृष्ण से जो मिल रहा है उसको पालन करना है, उन्होंने जो बताया है उसको हमें पालन करना है। ओके, परफेक्ट। और किसी को यही यही है? ओके ओके, और किसी को पहला प्रयास हमें करना चाहिए, कृपा हमें ऐसा लगना चाहिए, ये जो सब कुछ हो रहा है ना वो गुरु और कृष्ण की कृपा से हो रहा है, मेरा कुछ नहीं, प्रयास हम कर रहे हैं। ओके गुड। और भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में हम खुद आना चाहिए, उसके बाद में हमारा पूरा जीवन गुरु और भगवान के अर्पण करना। ओके, आप कौन से बेस में रहते हैं? बेस में कहा, किसके कनेक्शन में? किरण प्रभु, ध्यान रखिए उनके ऊपर। अच्छा अच्छा आंसर दिया आपने, गुड। और किसी कुछ बोलना है? यस, भगवत गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येव अधिकारस्ते। हाँ, मा फलेषु कदाचन, तो कर्म करते रहना चाहिए सबके हिसाब से, और फल का ये भगवान को, गुरु और कृष्ण को देना चाहिए। ओके, और किसी कुछ बोलना है? परफेक्ट, आप सब एकदम साधु बन गए अभी, पता नहीं। तो यही है कि उत्तरदायित्व मैं ले रहा हूं, मतलब जो भी गुरु कृष्ण मुझे बोल रहे दे रहे, मैं पूर्ण रूप से मेरा उत्तरदायित्व लेते हुए, मेरी जिम्मेदारी है उनके सभी आज्ञाओं को पालन करना, ये मेरा प्रयास है। लेकिन मैं उसी समय पे, उसको क्या बोलते हैं, मीन क्या बोलते मीन वाइल, या क्या सोबत, हमें ये भी देखना है कि ये सब जो मैं कर रहा हूं ना, क्योंकि गुरु और कृष्ण मुझे कृपा दे रहे हैं, वो शक्ति उनकी है। विजय प्रभु, आप दीपक प्रभु समझ रहे ना, तो नहीं तो बड़ी वो सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा, अगर मुझे किसी की जरूरत नहीं है, या मैं सब कुछ कर रहा, अभी जिम्मेदारी भी ली है, मैं शास्त्र भी पढ़ रहा हूँ, ये सब भी पालन कर रहा हूँ, लेकिन जब तक गुरु और कृष्ण हमें कृपा नहीं देते हैं तब तक हम यशस्वी नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए अर्जुन को लास्ट का श्लोक हमने बेस में चर्चा की थी, लास्ट का, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर नीतिर मम।
तो उसमें अर्जुन के ऊपर क्या विशेषण लगाया अर्जुन के सामने? धनुर्धर। क्यों धनुर्धर? तो पहले कुछ तो करना पड़ेगा उसको। प्रभुपाद बोले ऐसे, प्रभुपाद एक क्लास में बोल रहे थे कि बोले कि अर्जुन को कृष्ण ऐसे नहीं बोले कि आप बीड़ी फूको मैं युद्ध करता हूँ। हाँ है क्लास में, क्योंकि उस समय पे प्रभुपाद जी के सभी बीड़ियां ज्यादा होती थी सिगरेट से। तो बोले अर्जुन आप बीड़ी फूको, बैठो यहाँ पे मैं युद्ध करता हूँ। वैसे देखा जो युद्ध किसने किया? कृष्ण ने ही किया। सब योद्धाओं को, प्रतिस्पर्धियों को मारा कृष्ण ने ही, लेकिन अर्जुन का पसीना निकला। ऐसा क्यों है? करने वाले तो ये है, तो मेरा पसीना क्या खाली पीली दे रहे? करना तो करो ना आप। नहीं, क्योंकि रबड़ी पकानी पड़ती है, खुद प्रयास करना पड़ता है। करने वाले वो है, कृपा वो देंगे, शक्ति वो देंगे, लेकिन हमें करना है। इसलिए प्रयास करना पूर्ण रूप से मेरी जिम्मेदारी है। जो भी गुरु कृष्ण की कृपा से मुझे, उनके आज्ञाओं से, शास्त्रों से जो भी कुछ मिल रहा है, मेरी जिम्मेदारी है उसको मेरे जीवन में पालन करना है। और बाद में जब भी मुझे यश मिलता है, क्योंकि गुरु और कृष्ण ने उसको सैंक्शन किया है, क्योंकि उनकी कृपा है इसलिए मुझे मिल रहा है, ये मनोभाव अगर मेरे अंदर है तो निश्चित रूप से मैं नम्रता के साथ जीवन जी रहा हूं। तो पहला है, मैं सेवा देना चाहता हूं बल्कि लेना नहीं चाहता। दूसरा है रिस्पेक्ट, दूसरों को सम्मान देने की अभिलाष है, न लेने की। तीसरा है कंसर्न, हमेशा दूसरों की चिंता करते हैं उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। ये तो बहुत है, ये जब हम कम्युनिटी में रहते हैं ना तो हमेशा देखना चाहिए उसको मिला कि नहीं मिला। जब हम अंदर रहते टॉयलेट में रहते ना तो चिंता करनी चाहिए, अरे बाहर कोई खड़ा है, समझ रहे हैं? तो बिंदास हम ये करेंगे, कपड़ा धोएंगे, ब्रश करेंगे, हाँ, और गाते गाते स्नान करेंगे, नहीं। तो हमें ये चिंता होनी चाहिए कि मेरे कारण दूसरों को तकलीफ नहीं, ये ह्यूमिलिटी। और ये एटिकेट है, वो एटिकेट में वो दिया गया, तो नम्रता है कि हमेशा हम विचार करते अरे नहीं मुझे जल्द से जाना पड़ेगा, इसमें से मैं कितना शॉर्टकट ये करूँ, जितना हो सके करूँ ताकि दूसरों को संधि मिले, समझ लें? तो इस प्रकार। और चौथा जो हमने देखा कि हमें पूर्ण रूप से गुरु और कृष्ण के ऊपर आधारित रहना है, बल्कि प्रयास हमें खुद करना है, क्योंकि हमने उत्तर दिया। तो इस प्रकार ये 8 स्टेप है। मैंने प्रयास किया जितना हद तक आपको देने का, मैंने बनाया हुआ पूरा रबड़ी आपको, आपके सामने रखा है। अभी बॉल मैंने आपकी तरफ फेंका है, तक मेरे पास था, अभी मैंने आपको दे दिया है, अभी आपको डिसाइड करना है उसको क्या करना है, ठीक है? हरे कृष्णा। तो अगर इस 8 स्टेप के अंदर आपका कुछ और प्रश्न बचता है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो कृपया करके उसको पूछ सकते हैं। ये समझ में आया? और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये अगर आपके जीवन में है, निश्चित रूप से हमारे जीवन में हम भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति निश्चित करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है? तो अभी पूरे इस स्टेप के अंदर अगर आपके मन में कोई डाउट है और वो आपको लगता है कि इसमें नहीं है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कम्युनिटी यू आर हैविंग सम कंसर्न फॉर डिवोटी राइट हु हैव सम एडिक्शन ऑफ बैड हैबिट राइट, आप उसके लिए कार्य कर रहे हो लेकिन वो मान नहीं रहा है राइट, क्योंकि अपनी हम्बलनेस है, तो उसको फिर कैसे टैकल करेंगे? वो मानेगा नहीं, लिमिट है। इसलिए कल आप होने चाहिए ना, इसके और बड़ा सेशन हो गया। ओह माय गॉड। हाँ क्लास था। हाँ तो जिसका हमें, अगर हमारा नहीं सुन रहा है ना, तो जिसका वो सुन सकता है उसके पास जाना है और उसको बताना कि वैष्णव हृदय है तो हमें सहन नहीं होता है, वो गलत कर रहा है, तो हमारा तो नहीं सुनेगा, इसलिए जिसका सुनता है उसके पास जाना चाहिए। और अगर हमारे उसको सुनाने वाला अगर कोई है ही नहीं है तो चुप बैठो और भगवान प्रार्थना करो ऐसा। और किसी को कोई प्रश्न? यस यस एक मिनट। कंपेयर जो करते हैं खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, मतलब ये ऐसा कर रहे तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मतलब बहुत जगह पे ऐसा हो जाता है कि डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर इसको कंपेयर कर रहे तो उसमें कंटिन्यू क्रिएट हो जाते हैं। कंपेयर का भी कोई नहीं, इसलिए तो इसका फॉर्मूला कि अपेक्षा किसी से मत रखो, जितना हद तक आप खुद से भी अपेक्षा रखो नहीं, खुद से भी तभी दुखी हो जाएंगे, समझ ना? तो आप अधिकार के ऊपर कार्य करना सीखो, अपेक्षा बहुत होगी बड़ी,
मुझे एक ही जन्म में प्रभु शुद्ध भक्त बनना, ये मेरी अपेक्षा है। तो होगा तो नहीं होगा, ठीक है, तो मेरा अधिकार क्या है? हाँ अधिकार है, तो अधिकार के ऊपर जीवन जीना चाहिए, अपेक्षाओं के ऊपर नहीं। समझे, ये अधिकार है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा प्रॉब्लम आजकल वही चल रहा है कि अधिकार एक तो किसी को समझ में नहीं आता है, बताने वाली नहीं है, और अधिकार अगर समझ में नहीं आया ना तो जीवन में बहुत गड़बड़ होती है, बहुत। इसलिए शास्त्र कहता है अधिकार के स्तर के ऊपर कार्य करो बस, नहीं तो मोटिवेट हम हो जाते हैं और एकदम शुद्ध भक्ति का, एकदम शुद्ध भक्त के रूप में उस मनोभाव में रहने जाते चले जाते, लेकिन वो अधिकार नहीं होने के कारण वो फुगा है ना, वो कभी तो फूटने वाला है। इसलिए भक्ति को ग्रेजुअल का है, वो धीरे 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 धीरे। इसलिए तो अपेक्षा नहीं, अधिकार। और दूसरों के प्रति तो बिल्कुल अपेक्षा नहीं करना। महाराज जी कहते थे एक्सपेक्टेशन इज रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरीज, सभी दुखों का कारण क्या है? अपेक्षा। इसने ऐसा करना चाहिए, आता तो ऐक लेना प्रवचना मुझे आशा करत नहीं, का नहीं करत तू कर। अरे नहीं बाबा, समझ रहे ना? ओके यस, पीछे 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 यस। तो जी जो एक स्टेप्स है उसमें मतलब दिखा देता है कि इंक्लूजिविटी में कुछ स्टेप्स नेचुरली होते हैं और कुछ स्टेप्स नेचुरली होते हैं, लेकिन ऊपर कभी नहीं हो सकते या फिर पूरे पूरे स्टेप्स सब में नहीं हो सकते। ओके, लेकिन उसमें ऐसा है कि जो ए स्टेप है जिसमें जो सेकेंड कैटेगरी है हाउ मच वी आर कंसर्न ऑफ अदर डिवोटी, हम उसको कैसे डेवलप करें? हाँ, तो इसके लिए हमें अब ये कंसर्न है ना, तो हमें एटिकेट पढ़ना चाहिए, नॉलेज है ना, नॉलेज, समझ रहे ना? अभी मुझे बताइए, आपको बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, ओके, और आपके सामने ना बहुत ऐसा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद 56 भोग वाला प्रसाद आपके सामने लाया है और आपको समझ में आया कि आज एकादशी है। क्या करोगे? उसमें भी 12 बजे तक फास्ट करोगे, निर्जल केला खा के नहीं, निर्जल। क्या हो जाएगा? शक्ति आएगी नहीं आपको? शक्ति आएगी ना, वो कौन सी शक्ति है? नॉलेज की शक्ति है। इसलिए मतलब ना एजुकेशन, एजुकेशन हमें शक्ति देता है बाबा। लेकिन उस दिन अगर एकादशी नहीं रहेगी, और आपको पता है एकादशी नहीं है तो कुछ भी चलता है, तो आप पेट भर के खाओगे, डबल खाओगे, लेकिन एकादशी रहेगी नहीं, मैं नहीं खा सकता। वो ज्ञान की शक्ति है, वो शास्त्र शक्ति देता है, नॉलेज शक्ति देता है। इसलिए जो एजुकेशन है ना उसको हमें प्रॉपर लेना है, प्रॉपर। आपको ना वो श्लोक निकालना, निकाल सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, बीज की व्याख्या, बीज बीज बीज, वो श्लोक है ना, माली है से सिंचन, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, उसके नेक्स्ट वाला श्लोक है, वहां पे देखो बीज बीज बोल रहे, चैतन्य चरितामृत है किसी के पास? लगा 20 कुछ तो, मध्य 20 आते हैं, मध्य में 20 मिला क्या? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, ठीक है, बीच बीच छोड़ा हुआ सर्च है कि नहीं, नेटवर्क नहीं, ठीक है, अच्छी बात है नेटवर्क। तो बीच को आप देखिए, वो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, वो मध्य लीला में 20वां चैप्टर है कुछ तो, सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे हैं, 151। अच्छा, वो ब्रह्मांड भ्रमित 151, तो उसके आगे वाला श्लोक है कि माली उसको सिंचन करता है, हाँ श्लोक मिला गया नहीं, ठीक है, तो माली बीज के ऊपर सिंचन करता है, तो बीज की व्याख्या प्रभुपाद बोलते हैं, बीज मतलब वो प्रोसेस, वो पद्धति, उसके नियम, उसके निषेध, हाँ वो पूरा सिस्टम, गुरु प्रशिक्षण के द्वारा अपने हृदय, शिष्य के हृदय में स्थापित करता है, जो वो प्रशिक्षण के द्वारा, और ये प्रशिक्षण 1-to-1 रहता है, प्रशिक्षण के द्वारा शिष्य के हृदय में स्थापित करता है, उसको बीज कहा गया है। बीज मतलब पढ़ना नहीं, बीज मतलब कि गुरु ने वो पद्धति को पूर्ण रूप से उस शिष्य को ट्रेनिंग देते हुए
ये ना आप पढ़ सकते हैं, ये जो है वो मध्य लीला है, 19वां अध्याय 152। इसका पूरा तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद जी लिखते, इसमें सिर्फ मैं एक पढ़ता हूँ। ओके, भक्ति लता बीज मीन्स द सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस। एवरीथिंग हैज एन ओरिजिनल कॉज और सीड फॉर एनी आइडिया, प्रोग्राम, प्लान और डिवाइस। देर इज फर्स्ट ऑफ ऑल द कंटेम्पलेशन ऑफ द प्लान एंड दैट इज कॉल्ड बीज और सीड। द मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच वन इज परफेक्टली ट्रेन इन डिवोशनल सर्विस कंस्टिट्यूट द भक्ति लता बीज और सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस। समझ रहे ना, ये व्याख्या बोल रहे प्रभुपाद कि द मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच वन इज परफेक्टली ट्रेन इन डिवोशनल सर्विस। ट्रेनिंग कहां से मिलेगा? गुरु से मिलेगा ना। तो परफेक्ट ट्रेनिंग उसको मिला है, किस किस का? एक है वो मेथड क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, उसको परफेक्ट ट्रेनिंग दिया है, उसको भक्ति लता बीज का है। तो गुरु जी उसके हृदय में स्थापित कर देते। तो ये अगर बीज किसको मिला है, वो ज्ञान मिला है ना, तो वो बचाएगा। समझ रहे? तो ज्ञान की शक्ति बहुत है, इसलिए एजुकेशन लेना है, शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र श्रद्धा को बढ़ाना है। ओके प्रभु, इसलिए प्रभुपाद ने बहुत सारे बुक्स लिखे। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने इतने ग्रंथ लिखे हैं। मेरे को समझ गया था। सपोज देयर इज अ कंडीशन, यू आर अ सेवा इन चार्ज ऑफ अ बिग कम्युनिटी एंड यू एलोकेट सेवा फॉर ईच ग्रुप्स, ईच डिवोटी, राइट? बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू डूइंग देयर सेवा सिंसियरली, एंड सो बाय डिफॉल्ट, बाय दिस प्रोसेस देयर इज यूनिटी, देयर इज इंटॉलरेंस डेवलपिंग विद इन द डिवोटी कम्युनिटी, इंटॉलरेंस, राइट? एंड यूनिटी भी बिगड़ रहा है उनका। कैसे करेंगे टैकल? देखो अभी अगर कम्युनिटी में ऐसा हो रहा है ना, पहले चीज है कि उनको उनकी उनको जो सेवा करने के लिए जो बल है ना, वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि इनटॉलरेंस क्यों हो रहा है? उनको सेवा करने में कुछ तो बल नहीं मिल रहा है, उसके उसका रिवर्स इंजीनियरिंग जाना पड़ेगा कि उनको बल क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं सेवा चाहते। या उसमें से कुछ ग्रुप ऐसा रहेगा वो सेवा नहीं करते, वो बोलते हैं कि प्रभु जी हम ही सब करते हैं, तो ऐसे ही बैठे हैं, क्योंकि हम बद्ध हैं ना। तो उस इंचार्ज को देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, सेवा क्यों नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर दो डिवोटी सेवा नहीं कर रहे, बाकी के चार कर रहे, चार के मन में क्या आता है? कंपेयर करते ना। तो सेवा इंचार्ज का ड्यूटी है कि युक्तस्य भक्त शनियुंजतोपि, वो हमेशा सबके लिए युक्त करेगा सेवा में। तो सेवा इंचार्ज का सेवा क्या है? सबको बराबर सेवा देना, नहीं तो जो करता है उसके पीछे लगो, जो नहीं करता छोड़ दो उसको, ऐसा नहीं। सबको बराबर सेवा देना, और वो सेवा नहीं कर रहा है तो जाके उसको पूछ, उसका सेवा वही है, जाके पूछ क्या प्रॉब्लम है, समझते हो कुछ नहीं प्रभु मेरा ऐसा, अच्छा ओके, नहीं नहीं कुछ। तो उस वहाँ पे जाके उसको समझाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, सेवा इंचार्ज क्या होता है, सेवा देता है वो चला जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो वो सुपरवाइजर है ना, सुपरविजन फॉलो करना, हाँ फॉलो, सेवा हुआ कि नहीं, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, उसमें क्या समस्या आती, सुविधा है क्या नहीं है, वो सेवा इंचार्ज का, वो अगर नहीं देखेंगे तो फिर ये समस्या होती है। ठीक है प्रभु, ओके। तो अब हम यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं, आपके अभी जो भी प्रश्न है हम इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी समय बहुत। प्रसाद रेडी? रेडी है ना, ओके। तो जितना हद तक मैंने मेरा प्रयास किया है, और मैं सोच रहा था कि यात्रा में क्या डिस्कस करें, क्या डिस्कस करें, आप इतने सब एकत्रित आए हैं, और विशेष करके मैंने जब यात्रा के डिवोटी को देखा तो मैक्सिमम 16 माला जप करने वाले ज़्यादा निकले। कितने हैं? ज़्यादा 70% तक है। हाँ, और बोले, और उसमें से दो से 16 को क्रॉस करके गए, दो कुछ डिवोटी यहाँ पे है जिन्होंने 16 से ही ज़्यादा जप करते, और बाकी उसमें से कम कम है, लेकिन मैक्सिमम हमने देखा कि यहाँ पे ज़्यादा 32 माला करने वाले भी हमारे यहाँ पे महाजन हैं। तो मैंने विचार किया कि इन भक्तों को हम क्या दें, इसलिए विचार करते हुए और विषय ये प्रहलाद के शिक्षाओं का हमने सुना, और बोले ये अगर डायरेक्टली भागवत सुनाएंगे तो आप में कितना उसमें रुचि लेंगे पता नहीं, तो उसको थोड़ा सा मॉडर्न भागवत के रूप में निकाला सार, उसके लिए मदद ली किसी भक्त की, शिक्षा अष्टकम का एक सेमिनार है इसके ऊपर, उसमें से टाइटल लिए, और उसके अंदर जो भी मेरा कुछ अनुभव, जो भी कुछ समझा, और यहाँ के शिक्षाओं से जो भी मिला उसको दे, मतलब भर भर के मैंने पूर्ण रूप से एक सेमिनार बनाया एस्टेप का,
और मैंने ये आपको दिया है, अभी आपको घर जाके उसके ऊपर पूरा चिंतन करना है, और जो भी कुछ कम पड़ता है, जो भी कुछ समझा है नहीं समझा है, जो समझा है उसको पालन करना है, जिसको नहीं समझा उसको फिर से समझ के लेना है। तो उसके लिए आपको जो हमने प्रोटेक्टिव शील्ड दिया ना कवच, वो कवच के अंदर हमेशा इसका डिस्कशन होना चाहिए, यही कवच है, तो हमेशा डिस्कस करो। अगर आप इसको भूलेंगे तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये पूरा फेल। लेकिन अगर आप स्मरण में रखोगे हमेशा क्या करना, तो एक दूसरे को प्रोत्साहन दे दो, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए करोगे तो निश्चित रूप से मैंने जो भी कुछ सेवा करने का प्रयास किया है वो सफल हो सकता है। मैंने मेरा जो बॉल है आपकी तरफ फेंका है, अभी आपको जेब में रखना है, फेंकना है, किधर रखना है वो आपकी जिम्मेदारी। लेकिन मैं इस क्षेत्र में जो भौतिक क्षेत्र पवित्र है, जहाँ पे प्रहलाद महाराज के रक्षा के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए, तो उनके चरणों में प्रार्थना यही करूँगा कि हमें वो मनोबल मिले जिससे हम इसी जन्म में हमारे सभी जितने भी अनर्थ हो उन अनर्थों के साथ संघर्ष करते हुए हम जो भगवान मनुष्य जीवन का जो परम सिद्धि है भगवान की सेवा भक्ति उसको प्राप्त करें। तो इसी अपेक्षा आशा के साथ, यही प्रार्थना के साथ मैंने जो भी 3-4 दिनों में जो भी आपको बोला मैं यहाँ पे पूर्ण विराम देता हूँ। अगर अनजाने में किसी का हृदय दुखा हो, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा है और जो एज इट इज़ बताने का प्रयास करें, किसी को बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिए, अगर जो भी कुछ अच्छा लगा हो तो वो गुरु की कृपा से मिला है, जो भी बुरा लगा उसे क्षमा कीजिए क्योंकि मैं भी एक बद्ध जीव हूँ, अनर्थग्रस्त जीव हूँ। तो सिंसियर 18 साल से इस कृष्ण भावना में, सिंसियर बोलते हैं ना सिंसियर, तो वैसे सीनियर हूँ 18 साल से यहाँ पे हूँ इतना ही, लेकिन मेरे हृदय में भी दूषण है, मैं भी बद्ध जीव हूँ, प्रयास कर रहा हूँ भगवान को प्राप्त करने का, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का। तो ऐसा मत सोचिए कि लाल कपड़ा आ गया तो हृदय शुद्ध, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से है, तो मैंने मेरा प्रयास किया है, तो अनजाने में अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, किसी का हृदय दुखा हुआ तो मुझे कृपा करके क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, जय श्री क्षेत्र अहोबिलम धाम की जय, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।